दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का ब्यूटी पार्सना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेंटल एबिलिटी का छठा पार्ट मैं बना रहा हूँ, सिक्स पार्ट बनने जा रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले यही बता दूं कि अब आपका एग्जाम भी शायद नेक्स्ट टू डेज बाद आपका एग्जाम भी शायद है ना। तो मैं क्या बता रहा था कि मेंटल एबिलिटी के जो 30 क्वेश्चन आएंगे, आप उस 30 क्वेश्चन में ध्यान रहे कि एटलीस्ट इस 30 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन आप सही करने का क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। ये आपका बोनस पॉइंट होगा। उसके बाद आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो केमिस्ट्री और फिजिक्स और भी जो एग्रीकल्चर है उन सब में तो आप अच्छा कर ले जाएंगे। मेंटल एबिलिटी आपका बोनस पॉइंट है, सीधे सीधे आपका 100 से 90 नंबर बढ़ा देगा, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा करने वाला है। तो आप प्लीज़ मेंटल एबिलिटी के पूरे वीडियोज़ देख जाइएगा एक बार। और अल्फ़ाबेट, सीरीज, फिगर, इतना ही नहीं, आप मेरे प्लेलिस्ट के रीजनिंग वाले सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे कई सारे रीजनिंग के चैप्टर के वीडियोज़ पड़े हुए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। और जीके जीएस के कुछ वीडियोज़ पड़े हुए हैं, आप उसको देख लीजिएगा, ये आपको हेल्पफुल हो जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम लॉस करते हुए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है, और प्लीज़ वीडियो को आप अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर किया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए, ओके। पहला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड 2 इज कोडेड एज पी, 3 एज एन और 9 एज क्यू, 5 एज ए और 6 एज बी, हाउ रिटेन दिस। ठीक है, पूछ रहा है, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन से आप देखिए सीधे नंबर पे जाइए, किस नंबर को दिया गया। तो इसको देखिए, मैं तो खैर सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। व्हेनेवर आप एग्जाम में ऐसा मत कीजिएगा, एग्जाम में सीधे आप लास्ट पॉइंट पे जाइएगा और उसको सीधे सीधे तुरंत वहां से ऊपर पैटर्न दिए पैटर्न से आप मैच करा लीजिएगा। देखिए, नंबर ये दिया हुआ था 599423, ठीक है। सीधे आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, 5 पे। 5 को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे R रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई ऑप्शन भी आप जा सकते हैं कि R किस में है, आई थिंक एक ऑप्शन कट गया होगा। फिर देखिए, और एक चीज़ और, 99 है तो अल्फ़ाबेट भी सेम होगा, तो यहाँ पे तो ऑप्शन ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बस ओनली फोर्थ ऑप्शन में ही क्यू रिपीट हो रहा है और यहाँ पे 99 है, तो चौथा ऑप्शन तो ऐसे ही करेक्ट हो गया। अदरवाइज आप इस रिलेशनशिप को देख लीजिए और आप आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड 3456 इज कोडेड एज रोप, 15526 इज कोडेड एज एप्पल, देन हाउ इज 54613 कोडेड। ठीक है, किसी कूट में 3456 को रोप एवं 15526 को एप्पल के रूप में कुटीकृत किया गया है, तो 54613 को किस प्रकार कुटीकृत किया जाएगा। देखिए, इसका दम इसका ये बहुत अच्छा सा आंसर है, आप इसको देखिएगा। पहले ऊपर नंबर लिखिए, उसके नीचे जस्ट अल्फाबेट लिखिए, जिससे कि आप इसको क्या करा सकें, जिससे कि आप इसको मैच करा सकें, ठीक है। तो यहां से पता चल गया, 3 को R रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को O रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को P रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 को E, एट दैट कंटिन्यू। फिर तो आपको आंसर देना है कि इसको क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका निकल के क्या। तो देखिए 5 है तो सीधे 5 पे जाइए, तो निकल के क्या आया, P, ठीक है। फिर है 4, देखिए कहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 4 इसको O रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर देखिए 6 के लिए E बना हुआ है, फिर 1 के लिए A बना हुआ है, और फिर है 3, और 3 के लिए क्या बना हुआ है, R बना हुआ है। तो A आपका आंसर हो जाएगा, पी ओ ई ए आर, ठीक है। तो देखिए, इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पी ओ ई ए आर, थर्ड, ठीक है। फिर देखिए, सिगरेट इज कोडेड एज डैश, मतलब सम गिवन, और देन डायरेक्शन इज विल बी कोडेड एज। यदि सिगरेट को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, के रूप में कुटित किया गया है, तो डायरेक्शन किस पर कुटित किया गया है। देखिए, ऐसे में क्या होता है ना, बस वो प्लेस चेंज करता है, आपको रीजनिंग उसी प्लेस पे फोकस करना है कि कैसे चेंज कर रहा है। जैसे देखिए, मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है कि सी डायगोनली जा रहा है, जी डायगोनली जा रहा है, और आई अपने प्लेस पे कांस्टेंट बना हुआ है, ए डायगोनली जा रहा है, ई डायगोनली जा रहा है, और आर अपने कांस्टेंट प्लेस पे देखिए बना हुआ है, ठीक है, देखिए बना हुआ है। ऐसे तो मतलब तीन बार में तीन तीन का क्या बना हुआ है, पेयर बना के एक दूसरे को ऐसे क्रॉस किया गया, तो इस सेम फॉलो यहाँ पे भी होगा। अब डी के लिए क्या, डी यहाँ पे आ जाएगा, आर यहाँ पे चला जाएगा, और आई यहाँ कांस्टेंट बन रहेगा, और एन आपका यहाँ चला जाएगा, ओ कांस्टेंट रहेगा, और आई आपका लास्ट में। तो देखिए, यहाँ बीच वाला नहीं निकालेंगे, बस दो का निकाल देता हूँ मैं, और इससे ही आपका आंसर आई थिंक मिल जाएगा। तो आर आई डी शुरू में रहेगा, एन ओ आई लास्ट में, तो आर आई डी शुरू में, एन ओ आई, देखिए और किसी में नहीं मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आर आई डी और फिर एन ओ आई, एन ओ आई सही है। चौथा क्वेश्चन देखिए, इन अ सर्टेन कोड, देखिए मैं आपको आपको क्वेश्चन के जो फ्रेमिंग है इससे इतना पता चल गया होगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आ रहे हैं। मैं पहले बता देता हूँ, कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज, ये दो तीन ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप जरूर तैयार कीजिएगा। और प्लेस वैल्यू मैं हमेशा से बोल रहा हूँ कि 1 to 6, ठीक है, 126 अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, आप उसकी प्लेस वैल्यू ज़रूर याद कर जाइए कि 13 पे कौन है, 13 मतलब मिडल, मतलब देखिए थर्ड मैं आपको कुछ ठीक बता देता हूँ। देखिए 13 का क्या हो सकता है, मतलब 13 मतलब मिडल, 26 का आधा कितना होता है, 13 होता है, और मिडल मतलब एम होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे कोड मिल, फिर
ऐसे आप बना सकते हैं, या फिर किसी के नाम से याद कर लीजिए, जैसे आपका नाम है तो आपका नाम का अल्फ़ाबेट का नंबर में क्या जाएगा, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, एक एक कूट में पेपर को लिखा गया है, समथिंग लिखा गया है, के रूप में लिखा गया है, तो मदर को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए इसका जो आपका आंसर है वो हो जाएगा पी क्यू एक्स जे जे टी। और खैर मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि कैसे होगा, तो इसका आंसर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखिए पेपर जो है ऊपर लिख लीजिए और नीचे जो उसका सेकंड कोडिंग है उसको लिख लीजिए, फिर देखिए कि बीच में कितने का गैप आ रहा है। देखिए यहाँ पे दो का गैप आ रहा है, यहाँ पे वन का गैप आ रहा है, यहाँ तीन का गैप आ रहा है, यहाँ वन का गैप आ रहा है, यहाँ पे चार का गैप आ रहा है, मतलब बीच में इतने इतने अल्फाबेट और मर्ज्ड हैं। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो होगा। अब यहाँ पे दो हैं तो यम, तो यहाँ पे भी दो करिए, एम एन ओ यहाँ पे भी दो कर दीजिए तो आ जाएगा पी। ठीक है, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे एकदम सेम डिक्टो। टू है, फिर वन है, फिर थ्री है, फिर वन है, यहाँ पे लास्ट वाला नहीं दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, चार ही है ना, एक दो पाँच है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो पाँच तक आप देख लीजिएगा, लास्ट एक अंडरस्टूड हो जाएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए फिर डायरेक्शन दिया हुआ है, उस डायरेक्शन पे दो क्वेश्चन है। देखिए ऐसा भी होता है कि एक डायरेक्शन देगा उस पे दो तीन क्वेश्चन आपको दे देगा। ठीक है, तो देखिए डायरेक्शन दिया हुआ है, इसमें बताना है ऑड है कौन है, मतलब इस ग्रुप में कौन क्या कर रहा है, अनसेटिस्फाई कर रहा है, जो इसमें ऑड है। तो देखिए ये आपका सी एफ आई एल है, ए है, ए है, थर्ड है, ऐसे आप देख लीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, अब मैं इसको बताता हूँ ट्रिक, आपका टाइम ज़्यादा लॉस ना हो इसलिए बताता हूँ इसमें क्या है। देखिए पहला जो है इन दोनों में जो गैप है, आप ऐसे ही किए रहिए ना, देखिए इसमें जो गैप है दो दो का है, जैसे ए बी सी, सी के बाद क्या आता है डी ई, फिर ठीक है, फिर एफ आई, फिर क्या है जी एच आई, फिर ठीक है दो दो का गैप जा रहा है। लेकिन जो आपका ए वाला ऑप्शन है पी एस वाला, कहाँ गया, पी एस वी एक्स, इसमें देखिए लास्ट में सही है लेकिन वी एक्स के बीच में कितना गैप है, कम का गैप है, तो ये आपका रीजनिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, रुकिए एक मिनट, आपको दिख तो रहा है ना वीडियो, एक मिनट, हाँ ठीक है। देखिए पांचवा हो गया, सेम आप ऐसा कीजिएगा, छठा क्वेश्चन डायरेक्शन के हिसाब से, मतलब डायरेक्शन में क्या होता है दो क्वेश्चन सेम सेम होते हैं, तो आप इसका क्या करिए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, इससे फायदा रहता है कि आप इसी बार कमेंट भी करेंगे और आंसर भी दे देंगे, कम से कम अपनी रीजनिंग भी लगाएंगे। तो छठा क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वहाँ पे इसी बहाने, पता है कमेंट बॉक्स का फायदा एक और है, वहाँ पे कई लोग डिस्कशन भी कर लेते हैं, मैंने देखा है कमेंट बॉक्स में कई लोगों ने अपना अपना व्यू दिया है और बहुत बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से रीजनिंग पकड़ा भी है, तो आप भी कमेंट कर दीजिएगा। फिर देखिए डायरेक्शन, फिर दिया डायरेक्शन और डायरेक्शन के बेस्ड पर देखिए फिर कितने क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है। देखिए डिक्शनरी वाले क्वेश्चन है, आपको डिक्शनरी बेस्ड भी दो क्वेश्चन दिख जाएंगे और ये क्वेश्चन 2018 वाले पेपर में रिपीटेड है, 7 और 8 दोनों क्वेश्चन डिक्टो रिपीटेड है 18 के पेपर में, तो ध्यान रहे आपको कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें जो होगा इसका मैं पहला बता देता हूँ, देखिए इसमें रीजनिंग कैसे पकड़ना होता है। देखिए पी आर ई, पी आर ए, पी आर ई, पी आर ई, पी आर ई, पी आर ई सब में कॉमन है, लेकिन पी आर ए तो डिक्शनरी में पहले पी आर ए ही तो आएगा क्योंकि यहाँ पे ए है और ए के बाद ही आता है, तो बी तो कन्फर्म हो गया, मतलब चौथा ऑप्शन आपका कट गया, तो 3 2 1 अब इतने ऑप्शन आपके बचे हुए। देखिए ए ऑप्शन आपका खत्म हो चुका है, अब आपको देखना इसमें इसमें इसमें, ठीक है। ऐसे मैं इसको दिमाग लगा सकता हूँ कि सीधे अब मैं लास्ट वाले को पकड़ता हूँ, ठीक है। तो लास्ट में देखिए इसमें से कौन वर्ड ऐसा जाएगा, तो यन जा सकता है क्योंकि यन और किसी में नहीं है, तो सीधे मुझे यहाँ से पहला ऑप्शन मिल जाएगा। खैर डिक्शनरी वाला है, मैंने तो देखिए क्या मैंने दिमाग लगाया अपने से कि ऐसा हो सकता है कि एन और किसी में नहीं है, एन इसमें है और एन सबसे लास्ट में आता है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे लास्ट में सी जाना चाहिए, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा बी और सी पहला। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि फिर बी सी इसमें भी है, तो एक हम और ले लेते हैं, सपोज कि अभी हमको सी नहीं मिला है, तो फिर चलिए हम आगे चलते हैं। तो पी आर ई, पी आर ई, पी आर ई, पी आर ई कॉमन है, फिर ए इसमें है, पी आर ई ए, फिर इसमें क्या सी है, तो पहले क्या आता है आपका ए आता है कि सी आता है, ए आता है, तो आपको यहाँ से पी ए के बाद ठीक है आ गया, ए आ गया, तो ए ऑप्शन भी तो कट गया क्योंकि यहाँ पे ई था, तो इसका मतलब गारंटी हो गया कि पहला ऑप्शन सही है। हाँ, जो ये मैंने एन वाली बात की है इसके कंसेप्ट को समझिए, मैंने एन बात की है कितने प्लेस पे, 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पे एन है, तो ध्यान रखिए कि छठे नंबर पे अब 1 2 3 4 5 6 एच है, तो एच बात पहले आता है ना, मैंने इसको बोला है कि उस प्लेस वैल्यू में सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, मैंने इस तरीके से दिमाग लगाया था। तो अठा क्वेश्चन सेम फॉलो होगा, आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। फिर हम लोग नवा क्वेश्चन देखते हैं, ए भी 2018 में एकदम डिक्टो कॉपी हुआ है, कंपेयर द नॉलेज ऑफ पर्सन एक्स वाई जेड एंड बी सी रिलेशन टू ईच अदर, एक्स नोन मोर देन ए, वाई नोन एज मच एज बी, जेड नोन लेस देन सी, ए नोन मोर देन वाई, द बेस्ट नॉलेजेबल पर्सन अमंगस्ट ऑल, ठीक है। तो इसका देखिए सीधा सा आंसर है एक्स, इसका आंसर आएगा, मैं आपको इसके डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। देखिए इसका जो डायग्राम है,
खैर इस वीडियो के लिए आप मेरा फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, जो लास्ट टाइम 2080 का क्वेश्चन सोल्यूशन है वो शुरू में ही वीडियो डाला गया था, तो आप उसको प्लेलिस्ट से सर्च करके आप उस वीडियो को देख जाइए, क्योंकि 2080 के पैटर्न को भी आप समझ लीजिए, क्योंकि आपको 19 का देना है, ठीक है। और आपको ध्यान रहे कि करंट अफेयर्स से भी का क्वेश्चन आएगा, तो करंट अफेयर्स में अभी जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप एक बार बस सीधे करंट अफेयर्स डाल के सर्च करके करंट अफेयर्स दो तीन महत्वपूर्ण चीज़ों को देख लीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ कि कैसे हो रहा है। देखिए एक्स आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं फॉलो करता हूँ, एक मिनट दिख रहा है, रुको इस पर मोड़ देता हूँ। हाँ अब दिख रहा होगा, देखिए क्या बोल रहा है, x a से अधिक जानता है, ठीक है, तो x a से अधिक जानता है मतलब x ज़्यादा जानता है a से, ठीक है। फिर बोल रहा है y b से समान जानता है, मतलब y a वाला और a वाला दोनों बराबर ही हैं, ठीक है। फिर बोलता है z c से कम जानता है, तो z c से कम जानता है, c मतलब ज़्यादा ऊपर ले जाइए और z कम जानता है। फिर लास्ट में पूछ रहा है, बोल रहा है a y से अधिक जानता है, जो आपका a है वो y से अधिक जानता है, ठीक है, y देखिए यहाँ तक ही है, y से अधिक जानता है। और ऐसे में पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल कौन है। देखिए अगर a y से ज़्यादा जानता है तो y और b समान है, तो इसका मतलब b भी a से कम हो गया, ठीक है। ऐसे में बस नॉलेजेबल पर्सन x ही बचा। अब मैं आपको बता दूं कि z और c क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि z और c ये दोनों फ्री हैं, इस क्वेश्चन में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है इनका, क्योंकि देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान देना होता है कि एक दूसरे से रिलेशनशिप बनना चाहिए। आपका एक्स वाई ए बी ये चार ऐसे अल्फ़ाबेट एक्स वाई ए बी ये चार ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेशनशिप रखते हैं, लेकिन जेड और सी टोटली फ्री हैं, इनका कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सीधे बोल रहा है जेड सी से कम जानता है, तो ये इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फ्री है, सी क्या पता सी कितना जानता है। तो फाइनली इसका आंसर निकल के एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, फिर सेम देखिए क्वेश्चन, फिर डायरेक्शन पे ही था तो सेम क्वेश्चन फिर फॉलो कर रहा है 10। आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा और आप इसका आंसर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए फिर डायरेक्शन पे, फिर दो डायरेक्शन दो क्वेश्चन आ रहे हैं। उस संख्या का चयन करें जो कि समूह के अन्य संख्याओं से पृथक है, ठीक है, मतलब आपको ऑड देखना है सीधे। तो देखिए इस क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसका सीधा सा आंसर 37 है बिकॉज ऑफ द प्राइम नंबर। और 12 क्वेश्चन में देखिए क्या है, 3, 381, 552, 729, 903। देखिए इसमें आपका 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, उसका रीजन ये है कि ये क्या है, एक क्यूब है, किसका है, हाँ तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये क्या है, 9 का परिवार, तो क्यूब है। देखिए मैं इसमें दो रीजनिंग बताता हूँ, कभी भी रीजनिंग के परफेक्टनेस के लिए आपको तीन पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर पता है किसी भी रीजनिंग पे अगर आपने तीन रीजनिंग लगा दिया है, मीन्स कि किसी भी रीजनिंग के क्वेश्चन पे अगर आपने तीन तरीके से उसको प्रूव कर दिया है तो समझ लीजिए उससे करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता है। फाइनली मैं आपको इसमें दो चीज़ें बताता हूँ, दूसरी रीजनिंग ये है कि इनका एडिशन 12 है, इनका एडिशन 12 है, इनका एडिशन 12 है, पर इसका नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर क्वेश्चन है 13, हाँ बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस, एकदम सीधा सा आंसर ऑक्सीजन ऑलरेडी आया हुआ है। 1 to 5% को कैसे लिखा जा सकता है, तो इसमें 100 का भाग दे दीजिए निकल के आ जाएगा 1.250। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेन क्रॉप ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपको मैं बता देता हूँ कि अभी आप पेपर दे लीजिए, उसके बाद मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, मैं आपको पॉलिटी और हिस्ट्री की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डालने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डालने वाला हूँ। और मेरे ही चैनल पे एक्स वाई की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी अभी, अखिल सर इस पे मैथ पढ़ाने वाले हैं, वो बहुत अच्छा मैथ भी पढ़ाते हैं। तो देखिए जो 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल है, तो गेहूं जौ, ठीक है। इंडस वैली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वनडे एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो इसीलिए बीएचयू में भी आता रहता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी नदी हड़प्पा संबंधित है, तो रावी नदी है, ठीक है। दूसरे ग्रहों के सापेक्ष में कौन सा एंटी क्लॉकवाइज रूप में, तो देखिए इसका जो फार्मूला है आपका याद कर लीजिए, यू और भी मतलब वीनस, यू मतलब यूरेनस, तो यहाँ पे ये दो ऐसे हैं जो कि क्या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा शुक्र। दूसरा क्या है मैं बता दे रहा हूँ फिर से, यूरेनस याद रखिएगा। फिर देखिए दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या उसका क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फिर से एक बार पढ़ देता हूँ, एक बार इंग्लिश में भी इसको पढ़ देता हूँ, देख लीजिए। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लार्जर नंबर इफ द वैल्यू ऑफ स्मॉलर नंबर इज 20। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है रियलिटी में, मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ आपको सॉल्व करके। देखिए ये क्या है, सपोज
सपोज लार्जर नंबर जो है x है, आपने मान लिया, तो बोल रहा है कि x का 20%, तो मैं x का 20% निकाल दिया a, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आगे बोला है कि जो बड़ी संख्या है और छोटी संख्या का जो सब्ट्रैक्शन है उसका 20% है, तो मैंने माना था कि बड़ा नंबर है, छोटी संख्या दी हुई 20, तो x माइनस 20 इक्वल टू उसका 20%, मतलब ये क्या है, ये 20% है इन दोनों का, तो ये हो जाएगा x बाई 5। अब इसको x को इधर ले जाइए, 20 को इधर लाइए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आंसर क्या आएगा, 25। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फिर क्या है, अच्छा ये हो गया, हाँ ये क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इसका आंसर संडे है। और आपको ध्यान रहे कि अगर आपका कैलेंडर पे वीडियो चाहिए आफ्टर द एग्जामिनेशन, देन यू प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स फॉर द रीजनिंग क्लास, ठीक है। 20 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, तो मलेरिया, देखिए करेक्टली मैच की बात कर, देखिए क्वेश्चन में एक मैं आपको बता दूँ, मेरे अक्सर गलती हो जाती है कि नहीं और मतलब नहीं क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाँ लिखा हुआ है। देखिए इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन सा योग सुमेलित है, और कई बार क्या होता है ध्यान नहीं देते हैं, नहीं है सोच के जस्ट उसका तुरंत हम टिक करके आंसर कलर कर देते हैं। और एक बार और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पेपर रंगने का मेरा जो हमेशा से एक्सपीरियंस रहा है कि आप क्या कीजिए, एक साथ मतलब कलर भी करते चलिए, जो क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं उसको कलर करते चलिए, इससे क्या होता है कि लास्ट में बर्डन फील नहीं होता है। क्या होता है कि जब लास्ट में आप सीधे बस रंगने बैठते हैं तो आपको लगता है करीब आप 20 मिनट लगेगा अभी रंगने में भी, तो ऐसा नहीं है, आप साथ साथ उसको क्या कीजिए, फॉलो कीजिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा वो लिप्रोसी बैक्टीरिया, बैक्टीरियम से, ठीक है, इसका मैक्रोबैक्टीरियम, जो पार्टिकुलर अगर पूछा जाए तो मैक्रोबैक्टीरियम इसका आंसर होता है, ठीक है। फिर क्या है, मिसिंग नंबर इज द फॉलोइंग द सीक्वेंस, निम्नलिखित क्रम में संख्या कौन सी है, तो इसका देखिए क्या है, ए, देखिए यहाँ पर रीजनिंग पकड़ने की बात है, ए हो जाएगा 2, ए हो जाएगा 3, ए हो जाएगा 5, तो 2, 3, 5, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, 7 आना चाहिए, क्योंकि ये क्या चल रहा है, ऑड का चल रहा है, तो 7 आया तो 7 × 7 = 49, आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 22 क्वेश्चन देखिए आप, 22 क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ काउज एंड हेंस, देखिए ये क्वेश्चन जो है ये ऑलरेडी पहले क्वेश्चन, हाँ इसमें क्या है, सॉरी इसमें क्या है ना कि आर नहीं ले रहा, इसमें प्राइम नंबर लेके चल रहा है, ठीक है। फिर देखिए 22 क्वेश्चन, इन अ ग्रुप ऑफ काउज एंड हेंस द नंबर ऑफ लेग्स आर 14 मोर देन ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ द हेड्स द नंबर ऑफ काउजीज, ठीक है, गायों तथा मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या उनके सिरों की संख्या से 2×14 अधिक है, तो गायों की संख्या क्या होगी, इसका सीधा आंसर 7 है, लेकिन मैं इसके पहले भी आपको सोल्यूशन नहीं दिया था, मैंने बोला था कमेंट कीजिएगा, तो आंसर तो कमेंट किया था, पर देर आर नो वन पर्सन हुज डिमोन्स्ट्रेट टोटली आंसर, तो मैं आपको टोटली आंसर दिखा देता हूँ इसका, ठीक है, इसका आंसर देखिए क्या है, ठीक है, तो इसका आंसर चलिए, हाँ इसका सोल्यूशन देखिए क्या है, थोड़ा सा क्या है, रफली है, देखिए गाय को कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं, और मुर्गी कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो लेट क्या है 4x, क्योंकि आपको पूरी वैल्यू पता नहीं है, तो 4 के मल्टीपल में आप उसको मान लीजिए गाय को, और उसी संख्या में 2 के मल्टीपल में मान लीजिए आप मुर्गी को, तो 4x + 2x = x + x, मतलब मुर्गी और गाय × 2, क्योंकि 2×14 अधिक है, तो ये जो 14 था ना इधर आएगा इसको बराबर करने के लिए, लेकिन मैं क्या किया इसको बराबर करने के लिए 14 को इधर ले आया, ठीक है, तो 6x = 4x + 14, फिर इधर ले जाएंगे तो 2x = 14x = 7, इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आता है, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, अच्छा 23 क्वेश्चन नंबर, हाँ, विच इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 15, 21, 18 लीव्स 7 एज द रिमाइंडर, देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये LCM और SCO आपने पढ़ा होगा बचपन में, उस पर बेस्ड है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस इसमें जल्दी से आपको LCM और SCO निकालना होता है, तो 15 और 20 जो LCM है इसका LCM मैंने निकाला है क्या, हाँ यहाँ मैंने निकाल रखी है, देख लीजिए, ठीक है, तो 15, 21, 18 का जो LCM निकालेंगे फॉलो द वे, और आपका निकल के आएगा 3630, ठीक है, उसमें बोला है उससे 7 अधिक, मतलब क्या है 7 बच जाता है, देखिए जब 15 से इसमें भाग देंगे तो 7 बच जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, 7 उसमें ऐड कर दीजिए तो आपका 637 आंसर हो जाएगा, जब 21 से इसमें भाग देंगे तो 7 आपका रिमाइंड बचेगा, 18 से करेंगे तो 7 रिमाइंडर बचेगा, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका कौन सा क्वेश्चन है, 23 हो गया, 24, आउट ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट्स विच मेक्स द मीनिंगफुल वर्ड आफ्टर द इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, देखिए ये सब क्वेश्चन आपकी फास्टनेस को क्या करता है, चेक करता है, निम्नलिखित अक्षरों में से अगर प्रथम और अंतिम अक्षर बदल कर लिखा जाए तो निम्नलिखित में कौन से शब्द को कई से सार्थक शब्द बन सकता है, तो देखिए इसका अगर इससे क्या बन सकता है, अगर आपको के दिख रहा है, एम दिख रहा है, तो सिंपल सा सीधे दिख जा रहा है कि मेक बनेगा, तो एम अगर पहले करते हैं लास्ट में ले जाते हैं, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है कि मेक बन जाएगा, मेक मतलब होता है बनाना। फिर ये लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन को चलिए मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर इज्कवल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर इज्कवल टू 14 देन एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स इज्कवल टू व्हाट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस वन डे एग्जाम से बहुत आते हैं, एनटीपीसी हो गया, यूपीपी हो गया, एक्सवाई हो गया, एयरफोर्स में हो गया, इन सब में आता रहता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो सोल्यूशन है आप ऐसे समझिए, देखिए इसके दो फार्मूले हैं, आप इस फार्मूले को पहले लर्न कर जाइए। ये फार्मूला ऑलरेडी मैंने पहले की वीडियो में आपको गिवन दे रखा था। ठीक है, क्या है, एक्स प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर इज्कल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, ये आपका ए बी वाला जो फार्मूला होता है वही है, बस ये बटा वाला है, उसका रूप बदल गया। ठीक है, फिर और एक सेकंड फार्मूला है एक्स का क्यूब प्लस वन बाई एक्स का क्यूब इज्कल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, दूसरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो देखिए आपकी जो वैल्यू गिवेन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स इज्कल टू 14, मतलब आपको वैल्यू इस वाले की गिवेन है। क्या गिवेन है, 14 गिवेन है, तो 14 और ये प्लस 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स इज्क्वल टू रूट 16 और ये रूट 16 निकल के आएगा 4। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू निकल के आ गई 4। ठीक है, इसकी वैल्यू निकल के आ गई 4 और आपको इसकी वैल्यू यहाँ पे पहले से दी हुई है 14, 14 माइनस 1 आपकी इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है 13। ठीक है, तो 30 अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है फाइनली, तो देखिए जब इसकी वैल्यू निकालनी है तो एक्स का क्यूब माइनस सॉरी प्लस है ना प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब इज्क्वल टू 4 इंटू 13 और आपका आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 52 और ये हमारा आंसर होगा 52 आंसर में दिया। हाँ, ये आपका चौथा। और एक चीज़ और, कई सारे सिंपल पेपर्स, कई सारे क्वेश्चंस में क्या हुआ है कि आपने भी ये सिंपल पेपर ले रखा है, मुझे पता है क्योंकि सब ने कमेंट जैसा किया, मुझे पता चल गया कि पेपर आप लोग के पास है, तो इसमें कई सारे आंसर्स गलत दिए हुए हैं। देखिए मेरा एक वीडियो जो भोपाल वाला है उसमें जैसे एक पेपर था, मैंने इसे पिछले में डाला था, अच्छा खोजने में प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत टाइम लगेगा, मैं बता देता हूँ। उसमें क्या था कि पूछा था लेक एंड माउंटेन सिटी किसको बोला जाता है, तो मैं बता दूँ आपको, लेक अलग सिटी फेमस है लेक के लिए और माउंटेन अलग फेमस है सिटी को, और ये दोनों क्या दिया है, भोपाल को बोला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ही मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये हो गया, और दूसरा क्वेश्चन इसमें कौन सा था, ऐसे से कई सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको ध्यान रहे कि अगर मैंने कुछ एरर मिस्टेक किया है तो मैंने उसको फिर फाइनली कमेंट बॉक्स में उसको सही कर दिया है, एक आध दो क्वेश्चन थोड़े से मिस्टेक हो गए हैं, अदरवाइज ऑल करेक्ट आंसर यहाँ पे गिवेन है। और ठीक है, फिर आपको ऑल द बेस्ट, क्योंकि आपका एग्जाम ही अब लास्ट ही है, लास्ट टाइम है, तो आप अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। ध्यान रहे कि चार सेक्शन है, चारों सेक्शन के लिए आप टाइम डिवाइड कर लीजिएगा और पेपर पे फोकस कीजिएगा, आपके पास 120 मिनट होगा, उसमें आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको इन प्रॉब्लम, तो फिर आप उस पर ठीक है, फिर आप केयरफुल रहिएगा पेपर के लिए, ऑल द बेस्ट, आप अच्छा करेंगे एंड थैंक यू। और जिसका इसका सिलेक्शन हो जाएगा प्लीज़ वो काउंसलिंग टाइम में मुझसे हेल्प ले सकता है, मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा, और चैनल से आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा क्योंकि मैं बी एच यू के बारे में आपको तो डेटा जितना होगा उतना दूंगा ही, और ऐसे वन डे एग्जाम्स और जी के जी एस करेंट अफेयर्स मैथमेटिक्स सभी क्लासेज यहाँ पे कराई जाएंगी, तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू, बाय, टेक केयर। और लास्टली एक चीज़ और कि प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मेरा चैनल न्यू है, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और लास्टली आप शेयर कर सकते हैं इन वन ग्रुप, टू ग्रुप, थ्री ग्रुप एंड मोर ग्रुप, और थैंक यू। ओके, बाय।